सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 18 सितंबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:12 हो रहे हैं. तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल निफ्टी इंडेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली. एक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला. तो जैसे कि सऊदी अरामको के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए और उसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई दिया. तो ये पैनिक मूव जो आया है इसके ऊपर एक सऊदी अरामको ने एक स्टेटमेंट कल लेट इवनिंग जारी किया कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो एंड ऑफ द सितंबर फिर से अचीव की जाएगी. तो थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है. तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, उसका ज्यादा असर नहीं गिरेगा और फिर से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो अचीव की जाएगी. तो हो सकता है अभी ग्लोबल मार्केट में जो कल प्रेशर देखने को मिला वहां से एक रिकवरी देखने को मिले. तो देखते हैं निफ्टी के चार्ट में कहाँ पर अभी सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले एक ऑफर है अपस्टॉक्स की तरफ से, उसके बारे में मैं बता दूं. अपस्टॉक्स में फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है ये सितंबर मंथ के लिए. और अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक अगर अकाउंट आप ओपन करते हैं हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर, तो आपको ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो फ्री में मिल सकती है. आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है. जैसे अगर आपको समझिए अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है. आपका ईमेल आईडी, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए और आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है और साइन अप करना है. ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो ऑनलाइन अपलोड करके एक ही दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है. अकाउंट ओपन होने के बाद आपको क्लाइंट आईडी हमारे इस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है और आपका क्लाइंट आईडी जो है वो आपको कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके. और एक ऑफर है अपस्टॉक्स की, अगर आप अकाउंट ओपन करते वक्त FAB200 ये प्रोमो कोड अगर यूज करते हैं तो ब्रोकरेज में फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा. तो ये सितंबर मंथ के लिए ऑफर है अपस्टॉक्स. और 5 पैसा में अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है. ZERODHA में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नंबर वन ब्रोकर है इंडिया का. तो ये बेनिफिट्स है अगर आप हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर ये इन तीनों में से कोई एक अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो. तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो. कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. कल 17 सितंबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल का अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,016 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,963. तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का चार्ट है. हमने कल जैसे कि 60 मिनट की चार्ट में एक डबल टॉप पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो नेक लाइन ब्रेक करने के बाद वो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास आ रहा था. तो जैसे ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,946 ये अचीव हुआ और उसके बाद सेकंड टारगेट 10,924 ये भी अचीव हुआ. और इस लेवल को काफी रिस्पेक्ट कर रहा था और इसे भी ब्रेक करने के बाद निफ्टी इंडेक्स और भी टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लगा. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक हरे निशान में बंद हुए जो सऊदी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया था, तो उससे कुछ राहत मिल सकती है. तो यहाँ पर यूरोपियन बाजार कल शाम को जब क्लोज हुए थे थोड़े से प्रेशर के साथ बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट भी ओपन हो चुके हैं तो हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर देखें तो 19 पॉइंट की हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी 44 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है लेकिन प्रेशर है अभी भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के बीच में. ग्लोबली सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव है. तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में. इंट्राडे के लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उससे पहले वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. जैसे कि कई पास्ट वीडियोस से हम यहाँ पर
बताते आ रहे हैं कि ये जो रेंज है ये ऊपर 50 ईएम है और नीचे 100 ईएम है, ये लास्ट 7 वीक से इस रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है। हालांकि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाया था कैंडल स्टिक ने, ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, उसके बाद ये लास्ट वीक और एक बुलिश कैंडल स्टिक, लेकिन फिर से जो प्रेशर है ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसकी वजह से यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है। और कल इसने एग्जैक्ट फिर से 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है 10,780 के पास। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर अभी एक फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है और एक पैटर्न था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका ये जो नेक लाइन बन रहा था यहाँ पर, ये नेक लाइन बन रहा था यहाँ पर, तो इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ से अगर ये बुलिश पैटर्न का नेक लाइन ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी निगेटिव है, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसके कारण भी मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये था वीकली चार्ट का सीनरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल फिर से निफ्टी इंडेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट, यानी एक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। अगर लास्ट 6 मंथ्स का एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी ऐसा लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक्स है, ये जो छोटे कैंडलस्टिक्स है ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, और ये जो लंबा आता है लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में नेक्स्ट डे एक रिकवरी देखने को मिलती है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अभी भी ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये कुछ दिनों पहले 200 पॉइंट का ये कैंडलस्टिक था लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, और उसके नेक्स्ट डे एक रिकवरी देखने को मिली, उसके पहले भी लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक के बाद एक रिकवरी देखने को मिली। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन जब उसके भी कुछ दिनों पहले एक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था, उसके बाद एक ट्रिमेंडस डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, ये लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में ये रिकवरी। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक के बाद एक रिकवरी आती है, लेकिन जो इम्पैक्ट है डाउन ट्रेंड का वो बरकरार रहता है। तो होप कि आज एक रिकवरी देखने को मिले। फिर से इसने 20 ईएमए को ब्रेक कर दिया, लास्ट 3 डेज यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहा था 20 ईएमए को, लेकिन कल इसने इसको ब्रेक कर दिया, एक 200 पॉइंट का गिरावट दिखा दिया। तो अभी फिलहाल अगर प्राइस एक्शन की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा जहाँ से इसने 2 बार बाउंस बैक दिखाया है। ये देखिए यहाँ पर 10,778 के पास से इसने 2 बार बाउंस बैक दिखाया। हमने देखा 100 ईएमए वीकली चार्ट में ये 10,780 के पास आ रहा था, तो ये प्राइस एक्शन में डेली चार्ट में भी यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है। तो ये 10,780 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये जो अभी कुछ दिनों पहले इसने लो लगाया था 10,637, यानी ऑलमोस्ट 640 का ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और ऊपर अगर मूव करता है तो ये जो अभी 3 दिन पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 20 ईएमए, जो कि अराउंड अभी 10,980 यानी ऑलमोस्ट 11,000 के पास है, वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जो पास्ट में सपोर्ट का काम करता है वो आने वाले समय में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये अभी फिलहाल निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो इस समय बन रहा है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल बन सकते हैं ये देखते हैं। अभी 60 मिनट के चार्ट को आइडेंटिफाई करें तो यहां पर कल हमने ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहां पर देखा था, और इसका ये जो नेक लाइन बन रहा था इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद जबरदस्त यहाँ पर एक फॉल दिखाई दिया था। तो अभी फिलहाल ब्रेकडाउन लेवल के लिए अगर ये जो यहाँ से ये जो कल का लो बन रहा है 10,817 ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 10,765, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। काफी लंबा टारगेट है, तो इसके बीच में अगर कोई भी यहाँ से कैंडलस्टिक 10 या 5 मिनट के चार्ट में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो इसके पहले भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सेकेंड टारगेट होगा 10,742, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है
तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडलस्टिक दिख रहा है, ये थोड़ा हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रहा है। हैमर यानी जब भी डाउन ट्रेंड में ऐसा पैटर्न आता है हैमर कैंडलस्टिक जैसा, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिले, अपसाइड मूव देखने को मिले। तो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो 10,835 का ये लेवल है, ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ट में भी यहाँ से एक सपोर्ट टेस्ट करके इसने फिर से बाउंस बैक दिखाया था। तो ये लेवल जहां पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था, हो सकता है अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करे। तो 10,835 के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,859, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,871, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।